Good morning everyone. Today we are going to start our new chapter in science, chapter seasons. Okay, as you all know, there are five seasons in a year: summer, winter, autumn, spring and monsoon. हमारे जो ईयर है, हमारे जो ईयर आपको पता है कि 12 मंथ होते हैं, ठीक है, और 365 डेज होते हैं. उनमें हमारे कितने सीजन्स आते हैं? फाइव सीजन्स आते हैं. कौन कौन से आते हैं बेटा? समर हो गया, विंटर हो गया, स्प्रिंग हो गया, ऑटम हो गया और मॉनसून हो गया. ये फाइव सीजन हमारे ईयर में आते हैं. नाउ फर्स्ट इज, व्हाट इज सीजन? सीजन होता क्या है? अ सीजन इज़ वन ऑफ द फोर पीरियड्स इन अ ईयर. सीजन जो है वो एक जो फोर पीरियड जो ईयर में होते हैं उन्हीं में से एक है. ईच सीजन लास्ट अबाउट 3 मंथ. और हर एक जो सीजन है वो कितने टाइम तक चलता है? 3 मंथ तक चलता है. इन ईच सीजन देर आर चेंजेस इन टेम्परेचर, वेदर एंड लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. और हर एक सीज़न में क्या होता है? चेंजेस आते हैं. हर एक सीजन में चेंजेस आते हैं. टेम्परेचर में चेंज आता है, वेदर में आता है और साथ ही साथ डे और नाइट जो है उनकी लेंथ में भी चेंज आता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, व्हाई डू वी हैव सीजन? सीजन्स क्यों अकर होते हैं? सीजन्स क्यों चेंज होते हैं? सीजन्स आर कॉज बाय अर्थ पोजिशन इन रिलेशन टू द सन. आपको पता होगा कि जो सन है, ठीक है, उसके जो उसके अराउंड हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है? मूव करती है. ठीक है, तो ये जो जब अर्थ मूव करती है सन के अराउंड, तो उसकी उस वो जो उनकी जो पोजीशन चेंज हो रही है उस टाइम मूव करने की वजह से, जो पोजीशंस चेंज हो रही है उसकी वजह से क्या होता है? सीजन्स अकर होते हैं. और सीजन्स में चेंज कब आता है? जब सन से अर्थ दूर या पास होती है. यानी कि जब कोई प्लेस, जैसे यहाँ, जैसे हम यहाँ देहरादून में रहते हैं, अगर ये जो प्लेस है उत्तराखंड, अगर ये अर्थ के किसी और पोर्शन होगी जहाँ पे जो लाइट है वो कम पड़ रही है, ठीक है, या फिर जैसा आपने देखा होगा कि सर्दियों में कि मतलब वहाँ पे कम पड़ रही है, तो उस टाइम क्या होगा? वो विंटर्स होंगी. और अगर ज़्यादा पड़ रही है, डायरेक्ट पड़ रही है, तो क्या होगी? उस टाइम पे समर होगी. तो सीज़न चेंज किसके वजह से होते हैं? सन और अर्थ के वजह से होते हैं, जब अर्थ क्या करती है? मूव करती हो. नाउ फर्स्ट सीज़न इज समर सीज़न. अप्रैल एंड मई आर द हॉट मंथ्स ऑफ द ईयर. जैसा कि आप सभी को पता है कि जो अप्रैल और मई मंथ हैं, ये हॉट मंथ्स होते हैं ईयर के. दिस पीरियड इज कॉल्ड समर सीजन. और इसी पीरियड को समर सीजन कहा जाता है. द सन इज एट इट्स हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम. और उस टाइम पर जो सन होता है बहुत हॉट होता है, ब्राइट होता है, ठीक है. पीपल लाइक टू स्टे इनडोर्स एंड यूज फैंस, कूलर्स एंड एयर कंडीशन. और उस टाइम पर जो लोग होते हैं उनको क्या पसंद होता है? कि वो घर पर रहें, फैंस, कूलर्स और एयर कंडीशनर का यूज़ करें. पीपल लाइक टू हैव कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम. और लोगों को क्या पसंद होता है? कि वो ठंडा पानी पिएँ, ठंडे ड्रिंक्स को पिएँ और साथ ही साथ आइसक्रीम का मज़ा लें. ओके, नाउ नेक्स्ट सीजन इज रेनी सीजन. आफ्टर हॉट सीजन कम्स रेनी सीजन और मानसून सीजन. हॉट सीजन के जाने के बाद जो नेक्स्ट सीजन जो आता है वो आता है रेनी सीजन, या फिर जिसे हम क्या बोलते हैं? मानसून सीजन भी बोलते हैं. द रेनी सीजन कम्स इन जून, जुलाई एंड अगस्त. जो रेनी सीजन होता है वो स्टार्ट कब होता है? जून में स्टार्ट हो जाता है. एंड कब तक चलता है? अगस्त तक. कूल विंड्स फ्रॉम द सी ब्रिंग द रेन क्लाउड्स. जो कूल विंड्स होती हैं सी की, वो क्या करती हैं? रेन क्लाउड्स बनाती हैं और उसके बाद रेन होती है. वी यूज़ रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलास टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम रेन. और हम क्या करते हैं? रेन कोट्स और अम्ब्रेलास का यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सकें? रेन से बच सकें. ओके, द सोर्सेज ऑफ वाटर लाइक पॉन्ड्स, वेल्स, रिवर्स. और जो पॉन्ड्स, रिवर्स, ठीक है, जो पॉन्ड्स होते हैं, वेल्स होते हैं, लेक्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, ये किससे भर जाती हैं? ये पानी से भर जाती हैं. इट ब्रिंग्स वाटर फॉर क्रॉप्स. जब रेन आती है तो वो फार्मर के लिए क्या लाती है? वाटर लाती है, जिससे अपनी अपनी जो फसल, अपनी क्रॉप्स, उसको क्या करता है? इरीगेट करता है. द ट्रीज एंड प्लांट्स लुक ग्रीन ड्यूरिंग द मानसून सीजन. और इस टाइम पर आपने देखा होगा कि जो ट्रीज़ हैं हमारे आसपास, जो ट्रीज़ हैं, जो पेड़ हैं, वो कैसे हो जाते हैं? ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं, ठीक है. ओके, द नेक्स्ट सीजन इज ऑटम सीजन. थर्ड जो सीज़न आता है वो होता है ऑटम सीजन. सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर आर ऑटम मंथ्स. ये जो सीज़न आता है ये कब आता है? सेप्टेम्बर और अक्टूबर में आता है. ऑटम सीज़न फॉलोज द रेन्स. ऑटम सीजन में भी क्या होता है? थोड़ी बहुत रेन होती है. दिस इज़ द शॉर्ट सीजन. ये क्या होता है? एक शॉर्ट सीज़न होता है. इट इज़ नीदर हॉट नॉर कोल्ड. और ये जो सीज़न होता है उस टाइम पर ना ही ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा ठंडा होता है. इन मैनी प्लेसेज द लीव्स ऑफ ट्रीज टर्न येलो एज दे ड्राई अप एंड फॉल ड्यूरिंग ऑटम. और इस सीज़न में क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं ट्रीज़ की, वो कैसी जाती हैं? येलो येलो, यानी पीली हो जाती हैं, क्योंकि वो क्या जाती है? सूख जाती हैं. और इस टाइम पर
जो ट्रीज़ हैं वो अपनी लीव्स को भी शेड करते हैं। आपने सुना होगा पतझड़, ठीक है, वो इसी सीज़न को कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट सीज़न जो आता है वो आता है विंटर्स। ओके, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी आर द विंटर मंथ्स। आपको पता होगा कि नवंबर, दिसंबर और जो जनवरी के जो मंथ्स होते हैं उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ठंडा होता है। जो डे होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, बहुत छोटे होते हैं। नाइट्स क्या होती हैं, बहुत बड़ी होती है। द एयर बिकम्स कोल्ड एंड द सन इज़ नॉट वेरी ब्राइट। और उस टाइम पे जो सन होता है, जो एयर होती है वो कैसी होती है, कोल्ड होती है, और जो सन होता है वो ज़्यादा ब्राइट नहीं होता। पीपल वेयर वुलन क्लोथ, और इस टाइम पे लोग कैसे क्लोथ पहनना प्रेफर करते हैं, वुलन क्लोथ को, ताकि वो क्या कर सकें, अपने आप को कोल्ड से बचा सकें। दे लाइट फायर्स एंड हीटर्स टू कीप वार्म। और साथ ही साथ वुलन क्लोथ पहनने के साथ साथ लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं, हीटर्स को जलाते हैं, ब्लोअर को जलाते हैं, ताकि उनके घर क्या रह सके, वार्म रह सके, वो भी वार्म रह सके। ड्यूरिंग विंटर इट स्नोज इन माउंटेन्स इन नॉर्थ इंडिया। और विंटर्स के टाइम क्या होता है, जो माउंटेन है नॉर्थ इंडिया के, वहाँ पर क्या होती है, बर्फ़ भी गिरती है, ठीक है। लेक्स एंड पॉन्ड्स फ्रीज, और जो लेक्स एंड पॉन्ड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, जम जाते हैं। पीपल इंजॉय बींग आउट इन सन ड्यूरिंग विंटर, और लोगों को उस टाइम क्या पसंद होता है, कि वह बाहर रहें, सन की धूप में रहें, सन की लाइट में रहें, और वो क्या रहें, गर्म रहें, वार्म रहें। इट इज़ नॉट एज कोल्ड एज इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट सीजन इज स्प्रिंग सीजन। फेबररी एंड मार्च एंड द स्प्रिंग मंथ्स। जो फेबररी और जो मार्च वाला जो मंथ होता है वो कौन सा मंथ होता है बेटा, स्प्रिंग का मंथ होता है। ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन इट इज़ नीदर हॉट नॉर कोल्ड। और स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, ना ही ज़्यादा गर्म होता है, ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। द डेज आर वेरी प्लीजेंट, और जो डेज होते हैं वो काफ़ी अच्छे से होते हैं, प्लीजेंट होते हैं। ट्रीज़ एंड प्लांट्स आर फुल ऑफ फ्रेश लीव्स एंड कलरफुल फ्लावर्स इन स्प्रिंग। और इस टाइम भी कहते हैं जो ट्रीज़ और प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें नई नई लीव्स आती है, ठीक है, जिसे वसंत ऋतु बोलते हैं बेटा, ये स्प्रिंग सीजन वही होता है। इस टाइम भी कहते हैं ट्रीज़ में नई नई लीव्स आती है, नए नए फ्लावर्स आते हैं, हर तरफ हरियाली होती है। पीपल इंजॉय गोइंग फॉर पिकनिक्स इन स्प्रिंग। और इस सीज़न में क्या होता है, लोगों को बहुत पसंद होता है कि वो क्या करें, पिकनिक्स पे जाएं। ओके, और आज हमने हमारा जो डिस्कशन था ये सीजन्स का कंप्लीट होता है, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।